गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू वर्कशीट 6 ऑफ यूनिट 6. आई होप दैट वर्कशीट 5 इज़ क्लियर टू यू. फैक्टर्स बनाने अगर आपको आ गए हैं तो वर्कशीट 6 बिल्कुल ईजी है, उसी के ऊपर बेस्ड है. वर्कशीट 6 में आपको फैक्टराइज करना है. कैसे फैक्टराइज करोगे? बिल्कुल ईजी वर्कशीट है ये. एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन. स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, आपके पास दो नंबर हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया. इस एक्स प्लस वाई के साथ में दूसरा नंबर क्या है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे कॉमन. इसके साथ में था टू एक्स प्लस थ्री वाई, और एक्स प्लस वाई जब हमने कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गया. इसके साथ वाला नंबर क्या है, साइन कैसा है, नेगेटिव. और साथ में क्या था इसके, एक्स प्लस वन. एक्स प्लस वाई को हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे. अब जो बाकी नंबर बच गए उसको सोल्व करेंगे. टू एक्स प्लस थ्री वाई, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस वन, इसको सोल्व करो. अब टू एक्स, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ में राइट करो, टू एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री वाई, वाई वाली और कोई टर्म नहीं है, और साथ में क्या है, माइनस वन. टू एक्स में से एक्स गया, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन, एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा. तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन. तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे. तो इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखो, a माइनस बी की पावर टू दे रखी है प्लस a माइनस बी. इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी कॉमन दिख रहा है. अब a माइनस बी की दो पावर थी, एक पावर मैंने बाहर ले ली तो अंदर क्या कितना बच जाएगा, a माइनस बी बच गया, टोटल पावर टू होगी. उसके बाद साइन कैसा है, प्लस का साइन लगाया. a माइनस बी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर रख दिया इसको ब्रैकेट के. जब a माइनस बी ले लिया, इसके साथ में और कुछ नंबर नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई कितना होगा, वन. तो यहाँ पे कितना बच गया, वन बच गया. तो आंसर कितना हो गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस वन. ये वन कैसे आया पता चल गया आपको, जब a माइनस बी को मैं बाहर लूँगी ब्रैकेट के कॉमन लूँगी तो यहाँ पे वन बच जाएगा. इसी तरह से सेवन सम है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई. इसमें आपको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करो, इसके दो दो पार्ट बना लो. फर्स्ट पार्ट में हम वन प्लस एक्स एक्स को रख लेते हैं, और सेकेंड पार्ट में एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई को रख लेते हैं. जब हमने दो पार्ट बना लिए इसके, आप क्या करेंगे, वन प्लस एक्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वन प्लस एक्स राइट करेंगे. प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, एक्स वाई कॉमन आ रहा है इसमें, एक्स वाई कॉमन आया तो मैंने बाहर ले लिया. एक्स वाई बाहर आया तो यहाँ कितना बच गया, वन, क्योंकि एक्स वाई पूरा ही ले लिया हमने यहाँ से. एक्स की पावर टोटल टू है, वन पावर बाहर ले ली तो एक्स एक और बच जाएगा यहाँ पे. अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स वाई इंटू वन प्लस एक्स बच गया. वन प्लस एक्स यहाँ पे भी आपको गिवन है, तो अब इन दो वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे वन प्लस एक्स कॉमन आ गया. वन प्लस एक्स हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर वन प्लस एक्स हमने ले लिया, तो इधर इसका कितना बन जाएगा, वन प्लस वन प्लस एक्स हमारा ब्रैकेट के बाहर आ गया कॉमन. तो यहाँ कितना बचा, एक्स वाई. ये वन प्लस एक्स वाई कैसे आया पता चला आपको, क्या करा मैंने, वन प्लस एक्स ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर रखा ब्रैकेट के, तो इसके साथ में कुछ और नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच गया, वन बच गया. प्लस वन प्लस एक्स यहाँ बाहर लिया, इसके साथ में और दूसरा नंबर कौन सा था, एक्स वाई, तो ये एक्स वाई नंबर हमने यहाँ राइट कर दिया. तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा. एट सम देखो, एट में क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड. फिर से वही दो दो के पार्ट्स बना लो, इसको अलग ब्रैकेट में रखो, ये अलग पार्ट बना लो. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है. एक्स कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया, एक्स प्लस वाई. यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, जेड. जेड कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई. जो चीज़ कॉमन ली है अब उसको हम छोड़ देंगे, वो बाहर आ गई हमारे पास. अब इन दोनों में क्या नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई जो कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल दो. एक्स प्लस वाई को हटा दिया हमने तो क्या बच गया, यहाँ पे अकेला एक्स बच गया. यहाँ एक्स प्लस वाई को हटाया तो यहाँ क्या बच गया, जेड. तो एक्स प्लस जेड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. तो क्या फैक्टर्स बने, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. इसी तरह से ये देखो, इन आपको जो नंबर गिवन है, फिर से ये नंबर एक हो जाएगा, ये दूसरा नंबर ले लिया हमने, ए इंटू ए प्लस बी. इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, एट. एट हमने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचा, ए. यहाँ कितना बच गया, बी. तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी.
अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ए प्लस बी। ए प्लस बी जब हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच गया ए, जब इसको हमने बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बच गया प्लस एट, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर कौन कौन से नंबर बच गए, ए प्लस बी के साथ में ए था और यहाँ पे कितना था प्लस एट, तो ए प्लस एट, ये हमारे दो फैक्टर्स बन जाएंगे। टेंथ सम, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। अगर मैं ये दो नंबर लेके चलती हूँ, ए स्क्वायर और बी सी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं ए सी को पहले राइट कर दूँ, बी सी को बाद में राइट कर दूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 + 2 कितना होता है 3, 2 + 1 भी कितना होगा 3। तो अब मैंने क्या करा, ए सी को पहले राइट कर दिया और बी सी को बाद में राइट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसमें अगर हम ये दो नंबर लेके चलते तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो कॉमन करने के लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे स्टेटमेंट में। क्या चेंज करा, इस नंबर को हमने आगे राइट कर दिया, तो अब नंबर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ए कॉमन है, ए ले लिया तो इसके साथ में क्या बच गया ए प्लस, इसका ए तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा सी। यहाँ से बी कॉमन लिया, बी के साथ में क्या था सी, और इस बी के साथ में क्या है ए, तो क्या बन गया सी प्लस ए। आप एक और स्टेप भी बना सकते हो, यहाँ पे सी प्लस ए लिखो, ए प्लस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही रहेगी, 2 + 3 भी 5 है, 3 + 2 भी 5 होता है। अब मैंने क्या करा, ए प्लस सी कॉमन ले लिया, ए प्लस सी लिख दो या सी प्लस ए, ये चीज़ कॉमन आ गई। इस ए प्लस सी के साथ में क्या दे रखा है आपको ए, और यहाँ ए प्लस सी के साथ में क्या है बी, तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सी प्लस ए को ए प्लस सी करके करोगे, तब इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट 11th है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस ए बी प्लस 2 बी। फिर से दो दो पार्ट्स के बना दो फैक्टर, इसमें ए कॉमन आया तो अंदर क्या बच गया ए प्लस 2, यहाँ पे कितना कॉमन आया बी, तो क्या बचेगा ए प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ए प्लस 2, ए प्लस 2 बाहर लिया तो ए प्लस 2 के साथ में कौन सा नंबर है ए, यहाँ पे ए प्लस 2 के साथ में क्या है बी, तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, ए प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। लास्ट सम है, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी वाई। इसमें कॉमन क्या आया ए, ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया एक्स प्लस वाई। यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है और साथ में बी भी कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया माइनस बी कॉमन ले लिया। माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स, इसका नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया तो अंदर कैसा रह जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा माइनस, ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप माइनस साइन बाहर ले रहे हो तो अंदर साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस कितना बनता है माइनस। आपने माइनस भी ले लिया बाहर तो अंदर क्या बच गया अकेला वाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई। अब एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, इसको राइट कर दिया, एक्स प्लस वाई के साथ में ए था यहाँ राइट करा हमने, और इस एक्स प्लस वाई के साथ में क्या है माइनस बी, तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी। वर्कशीट 6 इज कम्प्लीटेड, डू वर्कशीट 6 इन फेयर नोटबुक एंड दिस यूनिट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। ओके।